सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोल्यूशन क्या है, कैसे पोल्यूशन जो है सोसाइटी के लिए एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, और कैसे पोल्यूशन जो है सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती है, और इनकी वजूहात क्या है, पोल्यूशन के कॉजेज क्या है। पोल्यूशन, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कॉन्टेमिनेट द एनवायरनमेंट इट इज कॉल्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन को सिंपल वर्ड में हम कहेंगे आलूदगी। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक सोसाइटी को, एक लिविंग सोसाइटी को, एक लिविंग एनवायरनमेंट को, उसमें रहने वाले लोगों को, जानवर को, पौधों को नुकसानदेह पहुंचाए, नुकसान हो, माहौल को आलूदा करे, उसको हम कहेंगे पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सबसे पहले एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मीन हवा की आलूदगी। हवा की आलूदगी के सबसे बड़े काजेज जो है इंडस्ट्रीज का धुआं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन, ये मतलब गाड़ियों का धुआं, ये जो ऑयल की बर्निंग, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के वक्त जो हम बर्निंग करते हैं, फ्यूल्स की बर्निंग, उसको हम कहते हैं, वो एयर हवा को आलूदा करती है। उनमें जो स्मोक होता है वो गंदा होता है। स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन गैस होती है, मोनो डाइऑक्साइड होती है, जो हवा को आलूदा करती है। और हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाके हमें काफ़ी डिजीज़ क्रिएट करती है हमारी बॉडी में। तो दुनिया में रोज़ाना 90 बिलियन बैरल ऑयल निकाला जाता है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है बर्निंग की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड बनकर हवा में तहलील हो जाता है और पोल्यूशन क्रिएट करता है। आगे है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मीन पानी की आलूदगी। दुनिया में 40% लोगों की डेथ जो होती है पानी की आलूदगी की वजह से होती है, और ये बहुत ज़्यादा बीमारियां लोगों में, इंसानी बीमारियां क्रिएट करता है वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से 40% लोग जो है, सिर्फ 40% जो मौतें होती हैं वो पानी की आलूदगी की वजह से होती हैं दुनिया में। पानी की आलूदगी की वजह से डिजीज़ लाइक कलोरिया, मलेरिया, टाइफाइड और इस तरह की बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ क्रिएट होती हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल हैं। आगे है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का मतलब शोर की आलूदगी। नॉइस पोल्यूशन जो है सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन जो होता है ट्रैफिक नॉइस, मतलब गाड़ियों के शोर की वजह से होता है। एयरक्राफ्ट नॉइस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क, ये जो काम होता है सड़कों पर, पुल बनाते हैं लोग, इसकी वजह से जो नॉइस क्रिएट होता है। इंडस्ट्रियों की वजह से जो नॉइस क्रिएट होता है, इसकी वजह से जो है नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से हियरिंग लॉस, कान आवाज़ सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बंदा स्ट्रेस की बीमारी पैदा हो जाती है, डिप्रेशन की बीमारी पैदा हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, अगर आप सोए हो तो आपको परेशानी होगी, कलर ब्लाइंडनेस, आपको सही नज़र भी नहीं आता, ये इस चीज़ पर भी बहुत इम्पैक्ट करती है। आगे है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन जो है वो भी आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैंड पोल्यूशन की सबसे बड़ी काजेज जो होती हैं माइनिंग एंड क्वारिंग, हाउस होल्ड गार्बेज, लोगों के घर का जो कूड़ा करकट, लोगों के घर का जो वेस्ट मटेरियल है, ये भी एक लैंड पोल्यूशन का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा कॉज है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रियों का कंपनीज़ का जो वेस्ट मटेरियल होता है, और जो उनके केमिकल्स होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं, और जो फर्टिलाइज लैंड को बहुत ख़राब करते हैं, ये भी एक लैंड पोल्यूशन का मेजर कॉज है। आई होप दोस्तों आपको पोल्यूशन और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।